हाँ, पनीर टिक्का घर में बनाना है सच में इतना आसान है। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, अनियन और टमाटर, उसके बाद बोल में ले लिया है 3 चम्मच दही अकॉर्डिंग टू पनीर यू आर टेकिंग। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर, और उसके बाद रेड चिली पाउडर मैंने 2 चम्मच डाला है। उसके बाद धनिया कर दिया, उसके बाद गरम मसाला ऐड कर दिया, और इसमें मैं 3 चम्मच कम से कम भुना हुआ बेसन ऐड कर रही हूँ। नाउ ये जो मैं बना रही हूँ इसमें मैं 200 ग्राम्स ऑफ पनीर की क्वांटिटी ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं था तो यहाँ पे मैंने गार्लिक को, जिंजर को ऐसे क्रश करके डाल दिया। आपके पास अगर पेस्ट है तो पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है, पानी वगैरह ऑल, सिर्फ कट के साथ अच्छे से कर लेना है इसे मिक्स, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने गर्म किया हुआ 2 चम्मच तेल डाला है, मतलब 2 टीस्पून ऑयल मैंने हीट करके इसमें, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें देखिए मैंने यहाँ 200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम्स पनीर को अच्छे से क्यूब्स में काट लिया। सब्जी भी मैंने ट्राई की है पनीर टिक्के में, जैसे चिली में रहती है ना वैसे स्क्वायर शेप में कट करने का, बट आई डोंट नो इसे हुआ है अच्छे से। सो आप घर पे डाल सकते हैं, और टमाटर में ना अंदर का उसका गीला वाला पोर्शन निकाल के फिर आपको यूज़ करना है। सो ये सारी सब्जियाँ और पनीर मैंने डाल दी है, और इसे ना ऐसे स्पून के हाथ से ही आपको हेल्प से आपको मिक्स कर लेना है। नाउ अच्छे से सारी सब्जियां इसमें कोट हो जानी चाहिए, आप देख सकते हैं। इसके लिए आप ना ये ऐसे बोल को ऐसे देखिए, अच्छे से आपको सब्जियां कोट कर लेनी है। और भाई इतनी सिंपल रेसिपी के लिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। नाउ इसे हमें होना है मैरिनेट के लिए रखना है। सो मैंने हाफ एन आवर के लिए फ्रीज में मैरिनेट होने रख दीजिए, उसके बाद निकाल के देखिए। मेरे पास यहाँ पे स्टिक भी थी, अगर नहीं हो तो उसके लिए आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, या पैन में भी। ये मैंने रेसिपी अलग से डाली है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक शेयर कर दूँगी, ताकि आप तवे में भी कैसे बनाते हैं पनीर टिक्का आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टिक पे मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया ताकि अच्छे से चिपके ना इसमें। सो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ कैप्सिकम, उसके बाद डालूँगी टमाटर, अनियन और पनीर। देन फिर मैं रिपीट करूँगी कैप्सिकम, अनियन और टमाटर। सो पनीर को हमें मतलब रखना है बीच में, ताकि पनीर होता है हमारा सॉफ्ट, सो पनीर टूटे ना, इसलिए पनीर को हमेशा सेंटर पे रखिए। और फिर आप लेयर्स को रिपीट करते रहिए, जैसे कैप्सिकम हो गया, फिर टोमेटो हो गया, फिर अनियन हो गया, फिर पनीर हो गया अगेन, फिर उसके ऊपर प्याज हो गई, फिर टमाटर हो गया, फिर कैप्सिकम। इस तरीके से पूरे हमें स्टिक तैयार कर लेनी है। एक तैयार हो जाए उसके बाद आप चाहे तो इसे गैस पे सेक सकते हैं। मेरे पास ये, इससे आप चाहे तो गैस पे सेक सकते, मेरे पास ये वाला ऐसा ओवन था जिसमें बाटी बनती है तो मैं उसमें सेक रही हूँ, तो आप किसी में भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। नाउ ये देखिए मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मस्त अच्छे से कर रही हूँ, और इसमें बहुत फ्रेगनेंस आती है, और आपका ना सिर्फ 5 मिनट्स में ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं अभी निकाल रही हूँ, और देखिए इतना टेस्टी सा, इतना सिंपल सा पनीर टिक्का बन के तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है घर पे पनीर टिक्का बनाना, आपको बाहर खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और टेस्ट आपको बिल्कुल बाहर वाला लगेगा। घर इसकी चटनी भी मैंने बनाई थी, मिंट, करियंडर और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना के। सो पनीर टिक्का बिल्कुल तैयार है हमारा घर पर, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे लगा। चलो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो। बाय बाय।